आईआईटी रुड़की में 3 दिवसीय भू तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सतत बुनियादी ढांचे के विकास और जोखिम न्यूनीकरण में भू तकनीक की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। वहीं सम्मेलन में आईआईटी रुड़की, सीएसआईआर, सीबीआरआई रुड़की भी शामिल हुआ। बताते चले कि सम्मेलन में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया, साथ ही 450 तकनीकी शोध पत्र शामिल थे। वहीं 13 मुख्य व्याख्यान और 16 थीम शामिल हैं। ये जो ग्राउंड के जो समस्याएं हैं या जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्लोप हो गया, फाउंडेशन है, टनलिंग है, तो इसमें जो इक्विपमेंट या प्रोटेक्शन मेजर यूज़ होते हैं, तो उसका एक एग्जीबिशन है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शनी रखे हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं इनका जो सॉल्यूशन है वो यूज़ हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल है। इसीलिए ये प्रदर्शनी में कुछ और लोगों को बताने के लिए ये यहाँ पे एग्जीबिशन रखा। ये सीबीआरआई, इसके जो कंप्लीट स्टडी, एंड टू एंड जो स्टडी होता है, कैसा सब्सिडेंस हो रहा है उसका स्टडी किया है, और जहाँ पे क्रैक ज़्यादा है तो वो वहाँ के लिए सॉल्यूशंस क्या करना है, और जितने भी मकान है जिसमें प्रॉब्लम है वो सारे मकानों का सर्वे किया है, और क्या सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट को। जैसे कि मुख्य कारण वो जो पहाड़ बना हुआ है वो सब्सिडेंस होने वाला जगह ही है, तो उसका स्टेबिलिटी के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो मकान है उसके लिए भी जो प्रोटेक्शन मेजर्स है उसको भी करना पड़ेगा। अपने को मतलब सॉइल को ठीक तरह से समझना पड़ेगा, वो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो जितना समझते हैं एक और एक नया मतलब जो अपन ने पैरामीटर शायद कंसिडर नहीं किया, वो पैरामीटर मिस हो गया, तो ऐसा कुछ मिसअप हो सकता है। तो लगातार जो इंजीनियरिंग है, जो नेचर है, तो इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट वो कंटिन्यूसली उसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वा निकोबार आज, तो वहाँ हाई कोर्ट के निर्देश पर वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और उसमें आईआईटी रुड़की को शामिल किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं देश में कहीं भी कोई इस तरह की फेलियर होती है। अभी बिहार में भी ब्रिज फेलियर हुए थे, उसमें उसका काम भी आईआईटी रुड़की को दिया गया, और जैसे मैंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर में अभी ये रोड फेल हुई है, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा है कि आईआईटी रुड़की को ये केस भेजा जाए। उसमें और भी 2-3 कॉलेजेस को जोड़ा गया है, बट मेनली लीड उसमें आईआईटी रुड़की कर रहा है। तो आज हमारी टीम गई है, 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और साथ ही साथ हम हाई कोर्ट को उसी समय इसको रिपोर्ट को सबमिट करेंगे कि उसके फेलियर का क्या कारण है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारी चीज़ें पहुँचती नहीं हैं, अपने आप में अलग है, सड़क का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। ऐसी अनेक चीज़ें चल रही हैं पूरे देश में। आईआईटी रुड़की कहीं भी फेलियर होती है तो अपने लोग भेजता है।